अस्सलामुअलैकुम, लव बर्ड वैली की इस वीडियो में खुशामदीद। आज की हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हम लव बर्ड्स को और बजिस को एक साथ रख सकते हैं या नहीं रख सकते। देखिए, लव बर्ड्स जो हैं वो ऐसे बर्ड्स हैं कि जिनको हम लव बर्ड्स बोलते हैं। अगर हम इनको एक साथ रखते हैं, एक दूसरे के साथ, यानी लव बर्ड्स को सिर्फ लव बर्ड्स के साथ रखते हैं, तो ये बहुत लव से रहते हैं, बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। मैंने इस केज में 9 पेयर रखे हुए हैं और इनकी मैंने कोई लड़ाई नहीं होती हुई देखी अब तक। और अगर मैं इसके अंदर 20 पेयर्स भी रख लूँगा ना इस केज के अंदर, और ये बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे और ये बिल्कुल नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से। अगर लड़ेंगे भी तो इतना लड़ेंगे कि कभी एक दूसरे को ज़ख्मी नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरा लव बर्ड किसी की मटकी पे आता है तो वो बस उसको वहाँ से डरा देगा कि आप जो है मेरी मटकी पे ना आओ। इसके अलावा कभी इनकी जो है आपस में इससे ज़्यादा लड़ाई नहीं होती। और ये बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और बहुत अच्छे तो बहुत लव से रहते हैं एक दूसरे के साथ। जो बजीज हैं, अगर आप उनको कॉलोनी में रखें, वो भी अच्छी ब्रीड करते हैं, लेकिन उनमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वो तो एक दूसरे को मार मार के मार ही देते हैं, जान से ही मार देते हैं। आप अक्सर देखेंगे कि किसी ने दूसरे का सर ज़ख्मी कर दिया, चोंच ज़ख्मी कर दिया, अक्सर उनमें लड़ाइयाँ होती रहती हैं। अगर एक फीमेल ने ब्रीड की हुई है, वो बाहर निकली अपनी मटकी से, तो दूसरी जाके उसके अंडे गिरा देगी नीचे, या उसके बच्चे मार देगी। वो फीड करने गई हुई है, दाना खा रही है, तो उतनी देर में दूसरी तोती जाएगी और जाके उसके बच्चों को ही मार देगी। तो बजिस में जिस तरह लड़ाइयाँ होती हैं या दूसरे पैरट्स में लड़ाइयाँ होती हैं, लव बर्ड्स की आपस में बिल्कुल लड़ाई नहीं होती। इस केज में मैं अगर 20-25 पेयर भी लगा लेता हूँ ना, तो ये बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। कॉलोनी ब्रीडर्स हैं ये कॉलोनी में बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं और बहुत अच्छी तरह से रहते हैं। लेकिन जहाँ तक लव बर्ड्स के साथ दूसरे बर्ड्स को रखने का ताल्लुक है, तो लव बर्ड्स जो होते हैं वो सिर्फ लव बर्ड के साथ रह सकते हैं, वो और किसी बर्ड के साथ नहीं रह सकते, उनको रखना भी नहीं चाहिए। बजिस के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकते, बजिस को तो वो फौरन ही ज़ख्मी कर दें। अगर आप बजिस को लव बर्ड्स के केज में डालेंगे तो वो उनके पाँव काट देंगे। इनकी चोंचें जो होती हैं ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और बजीज तो अपने आप को डिफेंड कर ही नहीं सकता इनके सामने। अगर बजीज इनकी मटकी पे आके बैठ जाता है, या वैसे भी पिंजरे में बैठा होगा, तो ये जाके उसको जो है मार मार के ज़ख्मी कर देंगे। जहाँ तक दूसरे बड़े पैरट्स का ताल्लुक है, तो ये बड़े पैरट्स के साथ भी नहीं रह सकते, उनको भी ये ज़ख्मी कर देते हैं, जैसा कॉकटेल्स हैं या और दूसरे पैरट्स हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि लव बर्ड्स को सिर्फ लव बर्ड्स के साथ रखा जाए और किसी बर्ड के साथ ना रखा जाए। मेरा एक दोस्त है, तो उसके पास कुछ फिंचेस भी थी, तो वो बेचना नहीं था चाहता, तो उसने किया ये कि लव बर्ड्स के केज में रख दी। उसने कहा चलो लव बर्ड्स अलहदा ब्रीड करते रहेंगे, उसने उनकी भी मटकियाँ लगा दी कि फिंचेस अलहदा ब्रीड करती रहेंगी। जब वो अगले दिन दाना पानी डालने आया, उसने देखा तो सबकी टांगें कटी हुई थी, तो उसने फौरन वहाँ से उनको बाहर निकाला। तो छोटा बर्ड हो या बड़ा बर्ड हो, ये लव बर्ड जो हैं सिर्फ लव बर्ड के साथ रह सकते हैं और किसी और बर्ड के साथ ये नहीं रह सकते। कोई कहे कि अगर मैं मुर्गी रख लूँ, वो तो नीचे रहती है, बर्ड ऊपर रहते हैं, तो ये उसके साथ भी नहीं रह सकते। किसी परिंदे के साथ आप इसको नहीं रख सकते। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसके अलावा आप विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.lovebirdvalley.com, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।